नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में। अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें बने रहते हैं और कंपनी के बिजनेस पे ध्यान रखते हैं तो आपको आगे चलकर एक मल्टी बैगर रिटर्न बनेगा। जिस प्रकार अगर आप एक छोटे से पौधे को अगर आप उसको समय पर खाद देते हैं, समय पर पानी डालते हैं और उसे सेफ रखते हैं तो आने वाले समय में वो पौधा काफ़ी बड़ा बनता है। तो सेम स्टॉक मार्केट में होता, अगर आप छोटे स्मॉल कैप स्टॉक में लगाते हैं, छोटी कंपनी के बिजनेस में लगाते हैं तो यहाँ सिर्फ बिजनेस को आपको देखना है। हम जो रुपया शेयर में लगाते हैं वो शेयर में नहीं बल्कि उस बिजनेस में लगाते हैं। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हर पैंडेमिक में चलने वाला है? जिस प्रकार आपने पैंडेमिक देखा, बहुत सारे शेयर है, जैसे आपने देखा PVR, जो मूवीज सिनेमा है और जो एविएशन सेक्टर, इस सेक्टर के स्टॉक में पूरी तरह से गिरावट देखने मिला। लेकिन जो सेक्टर इस पैंडेमिक से प्रभावित नहीं था, जैसे IT सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, उसी तरह से जो हमारे FMCG सेक्टर है, खाने पाने की वस्तुएं हैं, वो प्रभावित होने वाली नहीं है। तो जैसे हम चावल खाते हैं, तेल खाते हैं, तो ये जो ऑयल है और जो राइस है, ये सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं, चाहे कोई भी पैंडेमिक हो, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। तो इसी सेक्टर से हमने एक स्टॉक लेकर के आया है, वो है कीर्ति न्यूट्रेंट्स। दोस्तों काफ़ी छोटा ये अभी शेयर है, मार्केट कैप देख लीजिए मात्र 240 करोड़ है। मतलब एक छोटा पौधा है और इसको आपको समय पर सिंचाई करना पड़ेगा, मतलब आपको समय पर इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब इसका प्राइस जो है नीचे के लेवल पे हो, और यहाँ पर देखते हैं 12.50 रुपीज़ इसका लोवेस्ट प्राइस है, तो जब अपने ये नीचे के प्राइस लेवल पर, उस समय आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। और जैसे ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है तो वहाँ पर धीरे धीरे अपना जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है, मतलब अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना है। हायर लेवल पर जाता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, फिर नीचे लेवल पे आता है तो उसमें बाय ऑन डिप्स करेंगे। इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो कीर्ति न्यूट्रिएंट जो है एक बिजनेस जो करता है सोया सीड एक्सट्रैक्शन, मतलब जो सोया बीन है उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है ऑयल को, और उसको सेलिंग करता है। तो जो कुकिंग ऑयल है उसको मतलब बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, फिर उसको सेल करती है अपने ब्रांड कीर्ति के अंतर्गत। और इसका अगर हम बात करें, अभी जो करेंट प्राइस है 48 रुपीज़ के आसपास है, P 11.5 का है, जबकि इंडस्ट्री का P 17.3 है। अभी भी काफ़ी सस्ते पी पे यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 27% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का है, अर्निंग पर शेयर 4 रुपीज़ का है, तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी बेहतरीन है। प्रॉफिट में ग्रोथ 41% का हुआ है, नेट प्रॉफिट की बात करें पर ईयर 20 करोड़ का है, एक तरह से 20.9 करोड़ है, मतलब 21 करोड़ हो गया। प्रमोटर्स का होल्डिंग 66.4 है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छा खासा है। कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है, 2.76 करोड़ का है, और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, 0.03, तो काफ़ी कम है, मतलब जितना इक्विटी है उसका मात्र 3% कंपनी के पास डेट है, तो जो कि कभी भी चुकाया जा सकता है। और रिजर्व वहीं बात करें तो 91 करोड़ का रिजर्व है, तो कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है। तो आप यहां पर जाकर के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे भी देख सकते हैं, कंपनी जो है लगातार अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए, पहले कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ था, अब कंपनी का प्रॉफिट जो है 19 करोड़ पर पहुँच चुका है, जो कि आपको इसके शेयर के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी मतलब अभी ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने अभी मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी में है शेयर प्राइस। वहीं सेल्स की बात करें तो सेल्स भी इंक्रीज हुआ है, मार्च के जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब मार्च 2020 का जो फाइनेंशियल, उसमें सेल्स भी इंक्रीज हुआ था, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ है पिछले 12 महीने उसमें और ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हुआ है। कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, लगातार प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसी अनुसार अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है, कंपनी डिविडेंड भी थोड़ा पे कर रही है। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी का, शेयर कैपिटल मात्र 5 करोड़ का है। और वहीं कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी सुधरा है। यहाँ पर देखते हैं पिछले 2 साल से कैश फ्लो यहाँ पर +1 था, अब की बार थोड़ा सा 0 है, और 2020 का जो फाइनेंशियल है उसमें थोड़ा सा -1 में था, तो कैश फ्लो भी धीरे धीरे कंपनी अपना सुधार रही है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको बताया कि 66% का
प्रमोटर्स का होल्डिंग है, वहीं एफआईज का होल्डिंग देखिए, एफआईज का होल्डिंग अभी जीरो हो चुका है, डीआईज का भी होल्डिंग जीरो है और पब्लिक का होल्डिंग 33.65% का है। तो इसमें मात्र मतलब प्रमोटर्स का होल्डिंग और पब्लिक का होल्डिंग है, कोई एफआईज डीआईज होल्डिंग नहीं है। अगर कंपनी के बारे में विशेष जानना हो तो आप कंपनी के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर skinner.in पर आपको यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर विजिट करेंगे, ये सारे सोया प्रोडक्ट को बनाती है, यहाँ पर सारा सोया का प्रोडक्ट जो है जो भी कंपनी बनाती है वो आपको देखने मिल जाएगा, मैन्युफैक्चर करती है, साथ साथ अपने सोया प्रोडक्ट को सेल भी करती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल चार्ट का और इसका क्या लेवल्स और टारगेट होना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। हमने यहाँ लगा रखा है वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पर आप लॉन्ग टर्म के व्यू को देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू इस स्टॉक में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म देखिएगा, ये स्टॉक जो है लगातार जो है एक साइकिल में चलता है, अप ट्रेंड साइकिल और फिर डाउन ट्रेंड साइकिल। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चला अप ट्रेंड में, फिर यहाँ पर एक डाउन साइकिल चला, फिर यहाँ अप ट्रेंड, फिर यहाँ पर डाउन साइकिल। तो ये टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी बिग स्टॉक है क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो को कई बार ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टॉक का चार्ट है, यहाँ पर पीछे चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये स्टॉक का प्राइस था 10 रुपीज़ लगभग 2010 में, और फिर यहाँ से ये स्टॉक वहाँ से गिरावट जब आया तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका था और यहाँ पर देख लीजिए मात्र 3 रुपीज पे आ चुका था ये 2014 में। फिर यहाँ से 2014 से जब ये चला तो ये अपना हाई बनाया लगभग 35 रुपीज से गिरकर ये स्टॉक आ गया 2017 में मात्र 15 रुपीज में। फिर यहाँ से 15 रुपीज का जर्नी ये स्टार्ट करता है और गया ये 6 रुपीज से भी ऊपर, मतलब कि एक तरह से 60 रुपीज तक का जर्नी तय किया। वहां से फिर से गिरावट आता है और 2018 में जो अपना हाई बनाया और 2019 और 2020 के मार्च तक ये स्टॉक लगभग ट्रेड किया 15 रुपीज पर। तो फिर 15 रुपीज से ये यहाँ से जो पिकअप पकड़ा, मतलब यहाँ से जो इसमें मोमेंटम देखने मिला, वो मोमेंटम फिर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ले गया लगभग 52 रुपीज तक। 52 रुपीज से फिर से इसमें गिरावट आता है इसी साल और मतलब पिछले ईयर से ही, और अपना जो नवंबर 2020 है उसमें 30 रुपीज तक का लो बनाया और फिर से ये अपने जबरदस्त मोमेंटम में, अगर इस बार ये 60 रुपीज और 60 रुपीज के आसपास अगर सस्टेन कर जाता है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो फिर वहां से आपको एक जबरदस्त मोमेंटम देखने मिलेगा आगे की ओर। अगर यहाँ पर बात करें ऊपर कितना मोमेंटम देखने मिलेगा, तो यहाँ से आप सीधा देख लीजिए इसका जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर 20 रुपीज की बात करें तो 20 रुपीज से 60 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको 100 का लेवल इजिली मिल सकता है। तो सिंपली जो हम लोग टारगेट निकालते हैं यहाँ पर, ये जो सिंपली यहाँ से बार बार जो रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पर आप देख लीजिए ये 25 रुपीज को जब ये ब्रेक करता था तो डायरेक्ट वहाँ से 35 रुपीज लगभग ऊपर जाता था। तो अब यहाँ से फिर से ये ब्रेक करता है तो लगभग यहाँ से फिर से ये यहाँ से 35 रुपीज ऊपर तक जाएगा, तो 60+35 95 आता है, मतलब 100 रुपीज तक जा सकता है। 100 जो होगा एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, 100 रुपीज के प्राइस लेवल को सस्टेन करने में, क्रॉस करने में टाइम लगेगा। अगर उसको सस्टेन करके क्रॉस करता है तो फिर एक बड़ा मूवमेंट हम देख सकते हैं, लेकिन ये सारा व्यू जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए है, इसमें आपको 1 ईयर्स लग सकता है, 2 ईयर्स लग सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रही है, तो कंपनी का सारा फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत है, तो आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा वेटेड वॉच करना चाहिए और SIP मोड में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक SIP कैसे करते हैं, जब भी गिरावट आता है तो बाय ऑन डिप्स करते हैं, उसी को हम स्टॉक SIP कहते हैं। तो स्टॉक SIP कैसे होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं अभी ऑल टाइम हाई पे अभी आप चाहते हैं तो इसमें कुछ क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक यहीं से ऊपर चला जाए तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो इसका रहेगा। अगर यहाँ से फिर गिरावट आता है तो कुछ क्वांटिटी अभी बाय करेंगे, गिरावट आता है तो फिर नीचे के लेवल पर बाय करेंगे। इस तरह से हमारा जो एवरेज प्राइस होगा वो काफ़ी नीचे लेवल पे होगा। तो इसलिए हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो SIP करते हैं तो हर गिरावट पे हम बाय ऑन डिप्स करेंगे, लेकिन इसके लिए कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, मतलब बिजनेस ऐसा स्ट्रांग हो कि फिर से कंपनी के प्राइस को रिकवर करे। ऐसा नहीं कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है और हम हाई लेवल पर इन्वेस्ट किए फिर नीचे आएगा वहाँ पर बाय ऑन डिप्स करेंगे फिर कंपनी और से प्राइस नीचे आ जाएगा तो हमें लॉस ही लॉस होगा। तो इसलिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा जाता है, कंपनी का फंडामेंटल्स हमारा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम बाय ऑन डिप्स करें तो उस लेवल से कंपनी का प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि इसका जो अब जो रेसिस्टेंस होगा वो लगभग होगा 30 रुपीज़ 35 रुपीज़
रेसिस्टेंस जो एक रेंज होता है, तो ये रेंज जो होगा 35 रुपीज़ और 30 रुपीज़ के बीच का रेंज होगा जहां ये कंपनी सपोर्ट ले सकता है। अब इस कंपनी के प्राइस का जो सपोर्ट लेवल होगा वो 30 रुपीज़ से 35 रुपीज़ होगा। इस बीच ये कंपनी का शेयर का प्राइस सपोर्ट लेगा और अगर यहां से डाउनफॉल होता है तो, और फिर अगर ये यहां से 60 रुपीज़ पर सस्टेन कर जाता है ऊपर की ओर, फिर वहां से एक ज़बरदस्त मोमेंटम ऊपर की ओर देखने मिलेगा। तो ये सारा सिनेरियो है इस कंपनी में। तो इसमें अगर आप चाहते हैं तो हर गिरावट पर आप इन्वेस्ट करते रहें, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया जो spinner.in है। तो आप इसमें इन्वेस्ट रहें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहें और बाय ऑन टिप्स करें, मतलब हर गिरावट पे आपको इन्वेस्ट करना है और फिर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस पे हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है, क्योंकि हम जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में नहीं बल्कि उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो बिजनेस में अगर ग्रोथ है, बिजनेस कंपनी का अच्छा कर रही है, मतलब कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, तो निश्चित है कि हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर परिवार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।